रीना रॉय और इनके बीच संबंध था बहुत से लोग जानते होंगे, लेकिन ये भी बहुत कम लोग जानते हैं कि रीना रॉय को धोखे में रखकर शत्रुघ्न सिन्हा ने शादी कर ली थी। दोस्तों 40 साल बाद शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय का एक जगह सामना हुआ तो हुआ बहुत कुछ। तो आइए जानते हैं कि हुआ क्या। दोस्तों इवेंट था मुमताज़ का लंदन से मुंबई में शिफ्ट होना। मुमताज़ जो कि 70 के दशक की हॉट एक्ट्रेस थी, ऐसे में उन्होंने वीकेंड पर अपने कुछ बॉलीवुड के दोस्तों के लिए एक पार्टी रखी। इस पार्टी की सबसे खास बात रही लाइमलाइट से गायब हो चुकी एक्ट्रेस रीना राय और एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा के बीच मुलाकात। रीना को बॉलीवुड छोड़े हुए 20 साल हो चुके हैं, लेकिन उनकी अदाकारी का जादू दिलो दिमाग पर अभी भी छाया हुआ है। वह अपने समय की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस भी रही हैं। खास बात यह है कि 40 साल पहले रीना राय शत्रुघ्न सिन्हा का आमना सामना हुआ। शत्रुघ्न सिन्हा अब फिल्मों में सक्रिय थे, तब रीना राय के साथ उनका नाम खूब जुड़ता था, दोनों रिलेशनशिप में भी रहे। इस तरह की चर्चा थी कि रीना राय और शत्रुघ्न सिन्हा भी शादी भी कर चुके हैं, लेकिन ऐसा हो ना सका। दोनों एक दूसरे के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते थे, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा की लाइफ में किसी और की एंट्री हुई। दरअसल शत्रुघ्न सिन्हा पहले से ही पूनम सिन्हा को जानते थे। शत्रुघ्न जब FTII की पढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, उस समय उनकी मुलाकात पूनम से हो गई थी। दोनों में दोस्ती भी हो गई और प्यार भी। पूनम भी शत्रुघ्न सिन्हा से शादी करना चाहती थी। उस वक्त शत्रुघ्न रीना के साथ रिलेशनशिप में थे, ऐसे में सभी को यह लग रहा था कि शत्रुघ्न रीना जल्दी शादी कर लेंगे, लेकिन 1980 में शत्रुघ्न ने पूनम से शादी करके सभी को चौंका दिया। दरअसल वेटन एक्ट्रेस मुमताज काफ़ी समय पहले इंडिया छोड़कर लंदन रहने लगी थी। हाल ही में उन्होंने इंडिया का रुख किया तो इन्होंने इंडस्ट्री के अपने दोस्तों को पार्टी में बुलाया, जिस पार्टी में धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, वाहिदा रहमान जैसे वेटन स्टार्स थे। अब जब रीना राय और शत्रुघ्न सिन्हा 40 साल बाद एक दूसरे से मुखातिब हुए, तब एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा भी उनके साथ थी और कपल ने काफ़ी अच्छे से रीना रॉय से मुलाकात की। साथ ही रीना और पूनम ने मिलकर पार्टी एंजॉय की। बताया जा रहा है कि यहाँ मौजूद हर व्यक्ति रीना की एंट्री से अचंभित था, क्योंकि वो काफ़ी समय से पार्टीज़ में शामिल नहीं हुई थी। उन्होंने अपना वजन भी काफ़ी कम कर लिया था। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। बने रहिए सेलेब्स वर्ल्ड के साथ।